सो हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है आस्था फिल्म की शूटिंग, जो कि एक बहुत ही मस्त और बहुत ही ज़बरदस्त जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए ये फिल्म जाने वाली है, और इसको 18 तारीख तक जो है एडिट करके और पोस्ट करना है। तो आज और कल दो दिन शूट होगा, तो आज आपको इसी ब्लॉग में दिखाएंगे कि उसके कैरेक्टर कौन कौन है और वीडियो किस प्रकार से शूट हो रहा है, और वीडियो का जो मोटिव है कुछ कुछ क्लिप इस पार्ट में दिखा देंगे, और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। सो फाइनली गाइस, देखिए अभी हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, इधर कैमरा वगैरह सेट हो चुका है, इधर देखिए राहुल भैया हैं, जो कि कैसा फिल्म है, फिल्म के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। फिल्म एक सोशल फिल्म है, और हमेशा हम लोग सोशल फिल्म ही बनाते हैं, और फिल्म का नाम आस्था है। एक आस्था जो सबसे ऊपर एक होता है कि विश्वास और व्यवहार, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उस लायक होते हैं, जो गरीबों को खिला भी सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में विश्वास करते हैं, जैसे कि काले कुत्ते को खिलाने से ये फ़ायदे होते हैं, जानवरों को खिलाने से ये फ़ायदे होते हैं, गाय को खिलाने से ये फ़ायदे होते हैं, टोटका। तो अगर उस बीच अगर किसी इंसान को गरीब आदमी मिल जाता है, तो हमें लगता है कि पहले गरीब इंसान को देना खिलाना चाहिए, उसके बाद आप जानवर को खिलाइए। अच्छा, ये फिल्म कब तक पोस्ट होगा? ये फिल्म 18 तारीख को इंटरनेशनल लेवल पे तनुसिया कंट्री जाएगी। हाँ। और वहाँ से हमारी फिल्म की डिमांड हुई है कि आप अपनी फिल्म बना के दीजिए, राहुल वर्मा फिल्म प्रोडक्शन के अंडर में। हाँ। और देखेंगे फिर आगे का रिजल्ट, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने वाली है फिल्म, और कई सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएगी। यूट्यूब वगैरह पे ये पोस्ट होगा? होगा, लेकिन वहाँ से ऑर्डर होने के बाद। अच्छा, ठीक है, बाकी आप लोगों को दिखाते रहेंगे। इधर कैमरा स्टैंड वगैरह सेट हो चुका है, और सभी जितने भी जो है कलाकार हैं वो यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, हमारे आदर्शी फोटोग्राफी भी आ चुके हैं। ये हमारे फिल्म के DOP हैं और कैमरामैन यही हैं। कुछ बताइए। ये नहीं बता सकते हैं क्योंकि DOP है, कलाकार नहीं है, हंसना काम है। ठीक है, बाकी आपको दिखाते रहेंगे। एक्चुअली में जितने भी एंगल्स है ये सीख रहे हैं हमसे कि किस एंगल से किस शॉट को लिया जाता है। और इस फिल्म में कलाकार के रूप में हैं अमृता जी, जो कि दिल्ली से आई हुई हैं, मिस्टी हैं, जो मैं भी मिलवाऊंगा आगे, वो इस फिल्म में लीड रोल कर रही हैं। उसके बाद अभिराज सिंह खुराना है, उसके बाद हमारे अभिषेक प्रजापति हैं जो कि इस फिल्म में रोल कर रहे हैं, और ये बादशाह गोल्डन। एक कलाकार अभी नहीं आए हैं, उनका तबीयत ख़राब है, वो जल्द आ रहे हैं स्वस्थ होकर के, रंजन सिन्हा। और फिल्म को मैंने ही लिखा है और डायरेक्ट भी मैं ही कर रहा हूँ। तो फाइनली डे टू का जो है शूटिंग स्टार्ट हो चुका है, और ये जो है अपने गेटअप में आ चुके हैं। बताइए, इस गेटअप में आपको कैसा लग रहा है आके? कैसा लग रहा है? हाँ, लोग देखने वाले बताएंगे, हम क्या बताएंगे। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो पूरा फिल्म में जान डालेगा। ठीक है, बस देखने वाले दर्शक लोग पे निर्भर करते हैं कि कैसे लग। फाइनली देखिए, यहाँ पे टोटल सेटअप हो गया है, अब जो है शूट स्टार्ट होगा। आज लास्ट शूट है, जो कि बहुत ही मेन कैरेक्टर जो है भिखारी का कैरेक्टर है, जो कि एक रियल और एक्चुअल चीज़ दर्शाया जाता है कि लोग ऐसे होते हैं जो कि आस्था के नाम पे गाय को या कुत्ते को या किसी भी मतलब कि पालतू जानवर को रोटी देना पसंद करते हैं, लेकिन एक गरीब और एक भूखे इंसान की मदद करना नहीं चाहते। तो ये मूवी ज़रूर से देखिएगा, और ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए आगे, अब शूटिंग स्टार्ट होगा तो हम लोग शूट पे ध्यान देते हैं। सो फाइनली शूट जो है कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग 6 बजे से शूट कर रहे थे, और शूट करते करते अभी 11:30 बज चुके हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा, बट शूट संपन्न हुआ। जी बिल्कुल, अब आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। हाँ, आप तो लोग हमेशा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और ये हमारी मिष्टी कलाकार, हाय बोलो बेटा। हाय।
और बताओ डायलॉग एक आगो सुना तो बाबा वाला, दिल्ली की कलाकार है, बोलो डायलॉग एक आगो बोलो। बाबा बाबा ये लीजिए रोटी, इससे आपका परिवार का पेट भर जाएगा और आपका भी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।